मॉर्निंग गाइस, अभी सो के उठे हैं, चलते हैं लाइब्रेरी। रात को लाइब्रेरी नहीं गई थी कल मैं, तो उसका आज कंप्लीट करना पड़ेगा जो भी है। ऑल्दो आज संडे है, बट देखते हैं। सुबह सुबह उठ के चाइनीज जैसी आंखें हो जाती है। किसी ने अपनी बुक्स रख दी हैं मेरे टेबल पे। आई होप दिस टेबल इज रिजर्व फॉर मी ओनली, बट लेट्स सी। किसी सीनियर की बुक्स रखी हैं एंड सीनियर्स जूनियर्स को हटाने में आए हैं, बट लेट्स सी। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एनेस्थीसिया। कल की तीन वीडियोज़ और आज की तीन वीडियोज़ निकालनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। डोंट नो मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है नहीं जा रही है, बट जो मन में है आई एम टेलिंग। चलो शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है 7:55 एंड मैं ये वाली वीडियो पढ़ रही हूँ, मॉनिटरिंग पार्ट 2। मैंने आधी पढ़ ली थी, आधी रहती है। फटाफट कम्प्लीट करते हैं इस वीडियो को। सुबह के 11:30 हो रहे हैं और मैं रूम पे बोर हो रही हूँ। तो आज संडे है, आज छुट्टी है, लेकिन चलते हैं हॉस्पिटल, आईसीयू में चलते हैं, कुछ केसेस देखते हैं, स्क्रब्स पहनते हैं, वहीं पर ही कुछ पढ़ लेंगे, बुक्स भी ले चलते हैं। बट रूम पे रहना इज़ नॉट एन ऑप्शन, नहीं ना। और जब आप ज़्यादा कुछ करने लग जाओ, सीखने लग जाओ, उसके बाद फिर ये बोरिंग डे, नो नो नो। चलते हैं हॉस्पिटल, चलते हैं, फटाफट स्क्रब्स पहनते हैं। तो अभी हम तैयार हो गए हॉस्पिटल जाने के लिए, बुक भी रख ली है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। अगर पेशेंट कल वाले सेम हुए फिर उन्हीं के दर्शन कर लेंगे, अगर कुछ और नया केस आया फिर तो बल्ले बल्ले। चलते हैं। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना। मैंने ABG सीखा था कैसे लेते हैं, और उसकी सारी इंटरप्रिटेशन आपको एक अलग वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि सारा ICU का खेल ABG के ऊपर है। तो मैंने डिटेल में सीखा था रेसिपी, फेलियर टाइप 1 टाइप 2 वगैरह कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स थे उसके ऊपर। मैंने मेन स्लाइड्स अटैच कर दी हैं। द पेशेंट आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ इज़ CKD, दैट इज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ही इज़ राइट नाउ ऑन हीमोडायलिसिस मशीन एंड पेशेंट को देखते हैं। This is hemodialysis machine that is venting and अभी इस patient को oxygen support पर रखा हुआ है। ये patient है type 2 respiratory failure का, COPD का with type 2 diabetes mellitus। इसी का x-ray आपको दिखाती हूँ। ये वाला तो कल का है, फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन अभी इसका x-ray ये आया था आज का। तो आप ये कोलैप्स ऑफ लंग देख रहे हो इस साइड पे, तो इनका राइट लंग बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा है, तो ये वेंटी सपोर्ट पे हैं। कोलैप्स ऑफ लंग का एक्सरे। तो इस पेशेंट का सेंट्रल IV लाइन हुआ था। कैसे हुआ था मैं इस वाले पेशेंट को तो नहीं दिखा सकती, लेकिन दूसरे पेशेंट को बताती हूँ कैसे हुआ था। अब ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसकी जो रीडिंग्स हैं वो कुछ ऐसी सी चल रही हैं, BP नॉर्मल नहीं है। दूसरे पेशेंट को दिखाती हूँ कि ये कैसे लगा IV सेट। जैसे मान लो सबसे पहले हमने IJV को ढूंढना है, इंटरनल जुगलर वेन को, और ये हमारे पास स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड मसल का वो वाला हेड है, क्लैविकुलर हेड। ये वाला स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड का स्टर्नल हेड है, ये क्लैविकल बोन है। तो एक ट्राइंगल बन गया ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो ट्राइंगल का टिप है ना, वहाँ पर आपने निडल को लेकर जाना है।
बस ये ध्यान रखना है नीडल ऐसी होनी चाहिए कि वो निप्पल के सेंट्रली जानी चाहिए। तो ऐसे करकर हम ये सेंट्रल लाइन लगाते हैं। जैसे कहीं पेशेंट्स में लैक्टेट का लेवल बड़ा होता है तो वो एक तो रिपोर्ट में बड़ा हुआ है लैक्टेट का लेवल, हम वैसे कैसे चेक कर सकते हैं क्लिनिकली कि लैक्टेट का लेवल बड़ा हुआ है तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप यूरिन आउटपुट चेक कर सकते हो और दूसरा आप कैपिलरी फिलिंग टाइम देख सकते हो और दूसरा यूरिन आउटपुट देख सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि लैक्टिक एसिड का लेवल क्या है। बेसिकली लैक्टिक एसिड होता क्या है, जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, तो बॉडी में जो टिश्यू है उसका मेटाबॉलिज्म लैक्टिक एसिड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बस इतना ही है मेन। तो जाना है हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। आज मेरा लाइब्रेरी में पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं गई थी, मैंने एक वीडियो निकाली एनेस्थीजिया की, फिर मैं क्या करती, मैं हॉस्टल गई शायद, नहीं मैंने एक कॉफ़ी पी और फिर मैं यहीं आ गई आईसीयू में फटाफट। यहीं हॉस्पिटल में मैंने स्क्रब्स पहने, कुछ नहीं था मेरे पास, मैंने बस ऐसा था कि मैं आईसीयू में जाना है, मैं गई एंड मैंने बहुत सारे केसेस देखे एंड फ्रैंकली मुझे डॉक्टर अंकित मिल गए थे एंड ही नोज मी एंड आई नो हिम, सो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया। मैंने ट्रेकियोस्टोमी देखी और मतलब यहाँ वाली आई जी भी मुझे लाइन डालते सेंट्रल लाइन, और मैंने इलेक्ट्रिक शॉक का पेशेंट देखा, उसका ईबीजी एनालिसिस करा और भी बहुत कुछ, सीकेडी का पेशेंट देखा, उसमें सीकेडी के पेशेंट में हीमोडायलिसिस लगा हुआ था और उसके चेस्ट में रोंकाए की साउंड्स थी, वो अप्रिशिएट करी। वो अलग बात है, मुझे रोंकाई की साउंड सुनाई नहीं दी ज़्यादा, बट मैंने भी कोशिश तो की ना, वो मैटर करता है। देन एक पेशेंट था पॉइजन का, उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया, वो बार बार कह रहा था मुझे वेंटी से हटा दो। मैंने सर को बोला, सर ने फेंटेनाइल की डोज बढ़ा दी उसकी, एनेस्थीजिया होता है फेंटेनाइल, एंड वो बेहोश होकर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको होश आया एंड फिर अगेन हटाओ हटाओ वेंटी से। तो मैंने मैम को कहा, मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसको एट्रोपिन लगा हुआ है और एट्रोपिन की वजह से इसको इरिटेशन हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओवरऑल मज़ा आया, इन्जॉय किया। अभी मैं हॉस्टल जा रही हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और सुबह 9 बजे मेरी आईसीयू में ड्यूटी भी है, सो इट वॉज़ अ गुड डे फाइनली। मुझे सुबह से सेटाइटी मिल ही नहीं रही थी क्योंकि सारा दिन बस ऐसा ऐसा ही जा रहा था, पूरा दिन बारिश बारिश बारिश। तो फाइनली कुछ अच्छा किया, अच्छा सीखा, तो एक ऐसा होता है ना सुकून वाली नींद, बस वही। चलते हैं हॉस्टल, टाटा। Let's go.
जैसे और व्लॉगर्स नहीं कहते, इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, बस मैं भी उसी स्टाइल में इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। बाय।